अंगूठी चोर। महाराजा कृष्ण देव राय एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी पहना करते थे। जब भी वह दरबार में उपस्थित होते तो अक्सर उनकी नजर अपनी सुंदर अंगूठी पर जाकर टिक जाती थी। राजमहल में आने वाले मेहमानों और मंत्रीगणों से भी वह बार बार अपनी उस अंगूठी का जिक्र किया करते थे। एक बार राजा कृष्ण देव राय उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे, तभी तेनालीराम वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि उनकी पसंदीदा अंगूठी खो गई है और उन्हें पक्का शक है कि उसे उनके 12 अंग रक्षकों में से किसी एक ने चुराया है। चूंकि राजा कृष्ण देव राय का सुरक्षा घेरा इतना चुस्त होता था कि कोई चोर उचक्का या सामान्य व्यक्ति उनके नजदीक नहीं जा सकता था, तेनालीराम ने तुरंत महाराज से कहा कि मैं अंगूठी चोर को बहुत जल्द पकड़ लूंगा। यह बात सुनकर राजा कृष्ण देव राय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षकों को बुलवा लिया। तेनालीराम बोले, राजा की अंगूठी आप 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने की है, लेकिन मैं इसका पता बड़ी आसानी से लगा लूंगा। जो सच्चा है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं और जो चोर है वह कठोर दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। तेनालीराम ने बोलना जारी रखा, आप सब मेरे साथ आइए, हम सबको काली माँ के मंदिर जाना है। राजा बोले, ये कर रहे हो तेनालीराम, हमें चोर का पता लगाना है, मंदिर के दर्शन नहीं कराने हैं। महाराज आप धैर्य रखिए, जल्द ही चोर का पता चल जाएगा, तेनालीराम ने राजा को सब्र रखने को कहा। मंदिर पहुंचकर तेनालीराम पुजारी के पास गए और उन्हें कुछ निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, आप सबको बारी बारी से मंदिर में जाकर माँ काली की मूर्ति के पैर छूने हैं और फौरन बाहर निकल आना है। ऐसा करने से माँ काली आज रात स्वप्न में मुझे उस चोर का नाम बता देंगी। अब सारे अंगरक्षक बारी बारी से मंदिर में जाकर माता के पैर छूने लगे। जैसे ही कोई अंगरक्षक पैर छूकर बाहर निकलता, तेनालीराम उसका हाथ सूंघते आर एक कतार में खड़ा कर देते। कुछ ही देर में सभी अंगरक्षक एक कतार में खड़े हो गए। महाराज बोले, चोर का पता तो कल सुबह लगेगा, तब तक इनका क्या किया जाए? नहीं महाराज, चोर का पता तो ला चुका है, सातवें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। ऐसा सुनते ही वह अंगरक्षक भागने लगा, पर वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे धर दबोचा और कारागार में डाल दिया। राजा और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि तेनालीराम ने बिना स्वप्न देखे कैसे पता कर लिया कि चोर वही है। तेनालीराम सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, मैंने पुजारी जी से कहकर काली माँ के पैरों पर तेज सुगंधित इत्र छिड़कवा दिया था, जिस कारण जिसने भी माँ के पैर छुए उसके हाथ में वही सुगंध आ गई। लेकिन जब मैंने सातवें अंगरक्षक के हाथ महके तो उनमें कोई खुशबू नहीं थी। उसने पकड़े जाने के डर से माँ काली की मूर्ति के पैर छुए ही नहीं, इसलिए यह साबित हो गया कि उसी के मन में पाप था और वही चोर है। राजा कृष्ण देव राय एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया।